हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज 2 महीने बाद जो है मैं ब्लॉगिंग वापस शुरू कर रहा हूँ। नौकरी के साथ साथ अगर आप लोगों को जो है ब्लॉगिंग या फिर यूट्यूब चैनल को रन करना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, तो थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट मैंने भी सीख ली है, इसीलिए अब मैं जो है डेली ब्लॉगिंग जो है यहाँ पर चालू कर रहा हूँ। तो आज जो है काफ़ी टाइम के बाद जो है इंद्रदेव को जो है हमारे ऊपर, बाइकर्स के ऊपर जो है थोड़ा रहम आ चुका है। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप निकली हुई है, तो आज देखते हैं हम क्या करते हैं। तो आज की शुरुआत करेंगे मंदिर से, क्योंकि आज है पहला नवरात्रा। तो चलते हैं, दिन को शुरू करते हैं, लेट्स गो। मंदिर वाला काम जो है पूरा हो चुका है, अब हम दिन की शुरुआत करेंगे। तो ये मंदिर जो है मेरे घर के पास ही आता है, तो यहाँ पे मैं आते जाते माथा टेक लिया करता हूँ सुबह सुबह ड्यूटी जाने से पहले। तो चलते हैं, अब करते हैं दिन की शुरुआत। तो गाइस, इस गाय के पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी है। ये गाय जब यहाँ पे आई थी तो बहुत कमज़ोर होती थी, और ये यहीं पे मंदिर के पास रहना इसने शुरू कर दिया। तो यहाँ पे अब जो इसको डेली रोटी मिलती है खाने को, और आप अगर इसको केले से वगैरह दोगे तो ये नहीं खाती है, ओनली ये रोटी खाती है। तो अभी जो है यहाँ पे बहुत लोग जो है बाइक पे आते हैं, गाड़ी में आते हैं, तो इसको जो है यहाँ पे रोटी पकड़ाते हैं। तो अभी ये रोड के साइड इसीलिए खड़ी है कि कोई आएगा और मेरे को रोटी देगा। तो अब देखो आप कितनी हट्टी कट्टी होगी, पहले तो बिल्कुल कमज़ोर थी ये जिस टाइम यहाँ पे आई थी। बाइक का जो डिस्क पैड है वो बिल्कुल घिस चुका है। अब जो है ये इसको तवे को जो है इम्पैक्ट करना शुरू कर देगा, तो इससे पहले मुझे जो है चेंज करवाना पड़ेगा। तो आज ही देखते हैं इसको कहाँ पे चेंज करवा पाएंगे। ये देख सकते हो व्यू जो है बहुत तगड़ा हो रखा है। आज मौसम थोड़ा सा खुला है, तो उस वजह से आप देख सकते हो नीचे जो है फॉग आपको दिख रही है। तो और ये फॉग जो है पूरे हॉस्पिटल के ऊपर भी है, यूनिवर्सिटी के ऊपर भी है, और नीचे खलोगड़ा गांव है, खलोगड़ा है, आंजी है, उसके ऊपर जो ये देखो कितनी सुंदर सी जो है फॉग यहाँ पे जमी हुई है, वो आपको कुम्हारटी वहाँ पे दिख रहा है, टेक्शाई। दूसरा मेरा काम होता है रचना को डेली हॉस्पिटल छोड़ना। तो ये ऊपर जो आप देख रहे हो बिल्डिंग के पीछे दिख नहीं रही है, तो यहाँ हॉस्पिटल है और ये मानव भारती यूनिवर्सिटी है, तो वो आ रही है रचना। ये रोड क्रॉस करते हुए पीछे नहीं देखती, बस रोड क्रॉस कर देती है। चले गाइस, बात करते हैं इस रोड की। तो अभी मैं सोलन वाले बाईपास पे चला हूँ, तो ये रोड अभी तक जो है स्टेबल नहीं है। तो मतलब कल या परसों जितनी बारिश हुई है, तो उस बारिश से जो है ये लैंडस्लाइड हुए यहाँ पे, बहुत हाई लेवल के लैंडस्लाइड यहाँ पे हुए हैं। तो अभी आगे भी हमारे को जो लैंडस्लाइड देखने को मिल सकता है। मैं अभी हूँ चंबा घाट में, आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो अभी 3 या 4 दिन पहले मेरे साथ एक घटना यहाँ पे घटी है चंबा घाट में, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो ये जो है चंबा घाट का बाजार है यहाँ पे, ये मोटर मार्केट है सामने, और कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे चला हुआ है। तो जैसे कि मैंने अभी बाइक के ऊपर जो हेलमेट रखा हुआ है, वैसे ही मैंने जो है 3 या 4 दिन पहले हेलमेट यहाँ पे रखा हुआ था बाइक के ऊपर, और मैं उधर शॉप पे 5 मिनट के काम के लिए गया था अंदर। तो जब तक मैं यहाँ पे वापस आया, तो यहाँ पे जो है मेरा हेलमेट जो है बाइक पे नहीं था। इवन यहाँ पे जो है साथ में पुलिस का बूथ भी है, ये आप देखते हो पीछे। तो मैंने पुलिस वाले से पूछा कि यार मेरा हेलमेट था और हेलमेट जो है यहाँ पे मेरा बाइक पे नहीं है। तो इन्होंने बोला कि आपकी गलती है, आपने हेलमेट क्यों रखा है यहाँ पर। तो मेरे को इंस्टेंटली जा करके जो है यहाँ पर नया हेलमेट परचेज करना पड़ा, जो कि ये है। पहले वाला हेलमेट मेरा काफ़ी कूल था, ब्लैक एंड रेड कलर का, तो ये मेरे को जो है 1400 रुपये का उसी टाइम परचेज करना पड़ा। तो गाइस, आज ये मेरे को लेके आ चुकी है कुम्हारटी, तो अब ये थ्रेडिंग करवाएगी यहाँ पे ग्लैमर ब्यूटी पार्लर में। मैं भी आऊँ क्या? चल, तो यहाँ पे ये आज थ्रेडिंग करवाएगी। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे रहा कुम्हारटी और ये रहा फ्लाईओवर, जो ये कुम्हारटी के ऊपर से फ्लाईओवर बना है। तो ये चौक पहले काफ़ी व्यस्त चौक होता था,
लेकिन अब फ्लाईओवर बनने से जो है काफ़ी यहाँ पर ट्रैफिक कम हुआ है। तो आज मैं पहली बार फ्लाईओवर के बराबर में पहुँचा हूँ। सो फाइनली गाइस, और मेरे को $10,000 करोड़ साल बाद आई दोबारा। कैसे हुआ? बढ़िया, ठीक लग रही है, चले हो। तो गाइस आज का दिन जो है बहुत अच्छा रहा है। आज जो है बारिश नहीं हुई है और पूरा दिन जो है धूप रही है। अब जो है बादल आ चुके हैं, अब बारिश हो भी सकती है, लेकिन पूरा दिन जो है काफ़ी अच्छा रहा है। तो मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।